व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है संजय और आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं रेडमी 5A का, जो कि फ़िलहाल मेरे हाथ में है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं और क्या बातें इससे खास बनाती हैं इस प्राइस पॉइंट में। तो चलिए देखते हैं रेडमी 5A। रेडमी 5A देश का स्मार्टफोन। कुछ इसी टैगलाइन के साथ शाओमी ने अपना नया फ़ोन रेडमी 5A बाज़ारों में लॉन्च कर दिया है। मुझे मिला था 499 प्राइस में, फ्लिपकार्ट सेल में मैंने इसे ख़रीदा है। मैंने इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है अगर आप इसे ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पर हमें रेड कलर का बॉक्स मिल जाता है, साथ में हमें यहाँ पर कुछ क्विक स्पेक्स मिल जाते हैं, 5-inch डिस्प्ले और डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट, और हम इसे भी डिटेल में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से मैं सील को कट करता हूँ और हम देखते हैं इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं। स्रैपिंग को रिमूव करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि इस बॉक्स का कलर रेड है, क्योंकि अब जो भी रेडमी सीरीज़ में स्मार्टफोन्स आएंगे उन सब का बॉक्स कुछ रेड कलर में ही होगा। चलिए इसे ओपन करते हैं। जैसे ही मैंने इस बॉक्स को ओपन किया, फर्स्ट चीज़ जो हम देखते हैं वो है स्मार्टफोन इटसेल्फ, जो कि है रेडमी 5A। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देता हूँ और फिर हम अंदर देखते हैं कि हमें और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल मिलती हैं। तो मैं इस स्मार्टफोन को साइड में रख देता हूँ। अंदर हमें देखें तो हमें वही यूजुअल स्टार्टअप गाइड मिलती है, तो ये कोई काम की तो है नहीं, तो मैं इसे फिर से साइड में रख देता हूँ। हमें यहाँ पर मिलती है एक USB केबल, जो कि 1 मीटर लेंथ की, ये टाइप सी नहीं है, नॉर्मल USB केबल है। यहाँ पर हमें एक और चीज़ मिलती है और वो है सिम कार्ड रिमूवर। काफ़ी नेसेसरी चीज़ है ये, जो कि Xiaomi ने इस बॉक्स में इंक्लूड की है और सारे स्मार्टफोन्स में आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसके नीचे क्या है। यहाँ पर हमें मिल जाता है चार्जर, जो कि है Xiaomi का चार्जर। इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं है, वही नॉर्मल चार्जर है ये। तो ये है गाइस रेडमी 5A। चलिए देखते हैं इसके हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस। तो अगर हम फ्रंट में देखें तो हमें यहाँ पर मिल जाता है माइक्रोफोन, फ्रंट फेसिंग कैमरा, बैक बटन, होम बटन और मेन्यू बटन। साइड में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर यूजुअल होम बटन मिल जाता है और वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं। पीछे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिल जाता है, साथ में यहाँ पर डुअल टोन फ्लैश है। नीचे हमें की ब्रांडिंग है और स्पीकर्स भी पीछे ही दिए गए हैं इस रेडमी 5A में। काफ़ी अच्छा मैट फिनिश है पीछे। साइड में हम देखें तो हमें यहाँ पर डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट मिल जाएगा, जिसे मैं आगे बताने वाला हूँ ओपन करके। इसमें डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट्स हैं, मीन्स आप दोनों से इसमें इंसर्ट कर सकते हैं और साथ में SD कार्ड भी डाल सकते हैं। ऊपर की साइड देखें तो है हेडफोन जैक, IR ब्लास्टर और माइक्रोफोन। और नीचे की साइड अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर एक और माइक्रोफोन मिल जाता है और चार्जिंग पोर्ट है। तो चलिए देखते हैं कि इस स्मार्टफोन में हमें सिम एंटर करनी कैसे है। तो पहले मैं दोनों स्लॉट्स को ओपन कर लेता हूँ, फिर हम देखते हैं कि सिम एक्चुअली किस पोर्ट में कौन सी डालनी है। तो पहले मैं स्लॉट 1 को ओपन करता हूँ। इसमें अगर हम देखें तो इसमें हम डाल सकते हैं SIM 1 + SD कार्ड। तो इसमें हम सिर्फ एक ही सिम और एक ही SD कार्ड डाल सकते हैं। और फिर हम दूसरे पोर्ट में देखें तो हमें वहाँ पर सिम 2 का ऑप्शन मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से आप इसमें सिम इनपुट कर सकते हैं। इंटरवल्स में देखें तो हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छा MIUI 9 मिल जाता है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। अभी ये बेस्ड है एंड्रॉयड नोगट पे। जैसे ही मैं इस डिवाइस पर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड नोगट पे चल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको इस पर काफ़ी अच्छा यूज़र इंटरफेस मिलता है। इसमें काफ़ी सारी स्पेशल चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर हम इसके कैमरा की बात करें तो हमें यहाँ पर मिल जाता है 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। दोनों ही कैमराज काफ़ी अच्छे हैं अगर हम इस प्राइस पॉइंट पे इन्हें देखें तो। आपको 13 मेगापिक्सल का काफ़ी अच्छा कैमरा मिल रहा है जस्ट 5000 रुपीज़ में। ये मैंने वीडियो शूट किया था ऑन रेडमी 5A, इसमें आपको फुल HD रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। तो ये था गाइस रेडमी 5A का रिव्यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस स्मार्टफोन को ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप इसे जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।